मीन सेज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस. बहुत ज्यादा रेकमेंड कर रहे थे यार ऐसी मैसी पेशेंस चैलेंज करो पेशेंस चैलेंज करो तो मैं करने वाली हूँ ये चैलेंज और सारा कुछ इम्प्लीमेंट होगा मेरे ही ऊपर ऑब्वियसली क्योंकि तेरे में पेशेंस है सही नहीं है तो सारा कुछ बर्दाश्त करने के लिए मैं ही हूँ तो लेट्स स्टार्ट ओवर चैलेंज गाइस. और फैमिली बिल्कुल बचने वाली नहीं है मेरे से आज. वो ये तो मुझे ऐसे बोल रही थी सुबह से बेटा सारे बदले मैंने तेरे से लेने हैं. पता नहीं मैंने इससे पर कौन सा जुल्म किया सारे बचपन से अब तक के सारे बदले आगे वाली हर चैलेंज में तूने मेरे से बदले लिए हैं हर चैलेंज के ऊपर. ऊपर मैं छिपकली ऊपर चढ़ जाऊंगी. हाँ चलो ठीक है यार अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं. तो मैं बैठ रही हूँ और मेरे लिए दुआ करना मैं बच जाऊँ क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ होने वाली है. जितनी प्यारी लगती है ना मासूम लगती है शक्ल से है नहीं. मुझसे पूछो और मुझे तो मेरे एक दोस्त ने ऐसे चैलेंज रेकमेंड किया कहता पूरे दिन के लिए इसको क्वीन बना दो और खुद इसकी वो बन जाओ कनीज सर्वेंट. तो मैंने बोला कि यार तुम इसको जानते नहीं हो अगर जान लो ना कितनी टेढ़ी चीज है. तो मैं तीखी हूँ इसलिए बहुत ये पेलेगी मुझे इसलिए मैं वो चैलेंज करने से भी डर रही हूँ अभी तक सोच रही हूँ करूँ ना करूँ. तो लेट्स स्टार्ट ओवर चैलेंज गाइस. आने वाले कल की रवानी है तुझसे क्या क्या करूँ क्या क्या यार मुझसे ना पूछ बस तू कर दे जल्दी जल्दी. मैं अपना दिल बड़ा करके बैठी हूँ आज. आज मैं ना किसी से कोई लड़ाई नहीं करूंगी. मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया था किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी कोई बदतमीजी नहीं करनी सब कुछ तमीज से करना है. क्योंकि यार ये क्या लेके आई चाय मेरी झूठी चाय थूक वाली है थूक 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 क्यों डाल रही है कर ले आज बेटा तेरा दिन है मेरा पल भी आएगा. yes, अपना टाइम आएगा मिल गई अपना टाइम आएगा. गोबर वाली मट्टी और गोबर कहाँ से आई है पौधों के अंदर जो डली होती है ये कहाँ से तू कितनी कहाँ बातें सोच रही है तेरी सोच गंदी है तेरा दिमाग गंदा है मुझे पता था इतना गंदा मुझे ये नहीं पता था. इस बेचारी के मुंह पे भी मॉन्टीन लग गया है ये बेचारी मच्छर मारने के लिए होती है ये मारने मैं मर तो नहीं जाऊंगी अगर फैमिन खत्म हो जाए तो सारे बिरयानी के साथ बोतल मेरी तरफ से फ्री लानत. अभी मैं गंदी गोबर वाली कुन्नी होता बी पेशेंट मुझे अपने हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे तुम्हारी वजह से मैं बर्दाश्त करूंगा. सड़े हुए अंडे सड़ी हुई मट्टी यार फरीन यार
गया था तो उसमें तो गोबर भी मिक्स थी। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? चुप हो जा, जल्दी जल्दी कर। अच्छा अच्छा सोचने दो, ये मेरे सिर पे क्या है? यस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बताओ नहीं। अच्छा मैंने जीतना है। कितना पेशेंस है इसके अंदर? चेक करते हैं, चेक करते हैं। आज आप देख सकते हैं गंदुम का बचा हुआ भूसा, तूड़ी और कभी बालों से भी निकलती है ना, ये फंस जाती है बालों के अंदर। हाय हाय, कैसा फीलिंग आ रहा है? बदबू से लोग भाग जाएंगे डर के मारे। यार बहुत बदबू है, तूने वो नहीं सही किया मेरे साथ। अभी फैमिली साहब बहुत कुछ होने वाला है, जाइएगा कहीं नहीं, बैठ के आराम से देखो अभी फैमिली साहब होता क्या है, मजीद क्या होने वाला है फैमिली साहब। फैमिली आपको मैं इसलिए ये चैलेंज ले नहीं रही थी, मुझे पता था मैं चैलेंज करना भाग रही थी। इतना भाग गया, इतना भाग गया, लेकिन आखिर फंस ही गए। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? पता नहीं, ये देखिए गंदी आई, बहुत गंदी हालत है यार। फरीन बस कर दे। फैमिना आप ऐसे गंदगी में बैठ के कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। गंदी फीलिंग आ रही है, बदबू बहुत है। बस बदबू है, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ बदबू नहीं। फैमिली हटना जरा, हटना जरा, मुंह दिखाना, मुंह दिखाना। ये देखे फैमिली की नाक के ऊपर क्या अंडा लगा, अंडा। अरे मीनू ना कर यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बैठी कैसे? ओ, मुझे एक और चीज याद आई है, मैं फहमी के लिए बोल रही हूँ, स्पेशली फहमीन के लिए। क्या मानो मेरा एहसान है तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग चला रही हूँ। हाँ बहुत दिमाग चला रही हो आप, आपका दिमाग गंदी चीजों में वैसे भी बहुत चलता है, अच्छी चीजों में नहीं चलता। या फिर इन अंडा वो पहले अंडा फेंका तूने मेरे ऊपर हराम खोर, अल्लाह मुझे बचा ले। ये देखे फैमिन के ऊपर नहीं, नहीं, नहीं। अभी अभी तो बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे साथ होना। मैंने तुम लोगों से कहा था मेरी जान ले लेगी ये मुझे, बदबूदार हो गई है फैमिली, बदबूदार हो गई है। मम्मा नहीं है कचरा रानी बन के आप सबको कैसी लग रही है? मैं आपको क्लोज करके अभी नहीं, मैं कचरा रानी आगे कैसे था वो सो। अभी अभी बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, अभी मैं आपको पूरी हालत, जब पूरी तरह इसकी हालत बनाऊंगी ना फिर मैं आपको, मैं पूरा बर्दाश्त कर लेती। ये देख, ओ
मिलेगी यार ये सबसे गंदा वाला चैलेंज। हरी मिर्च ये लाल मिर्चों को क्या करने वाली मीनू, मुंह पे लग जाएंगी मीनू। लाल मिर्चों को ऐसे ऐसे करते हैं पानी के अंदर टक 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 और वो घुल जाती है और वो फैलते फैमिन के ऊपर। फैमिन फिर आप बताइएगा फैमिन की चीखें सुनिएगा फैमिन कैसे क्या क्या कर बर्दाश्त बर्दाश्त पेशेंस का मतलब है बर्दाश्त करना। आपको दुनिया की हर चीज बर्दाश्त में शुक्र मैं आपको खिलाई नहीं है चम्मच भर भर के बेटा खिलाने का नहीं था। पेट में मिलाने लगी हूँ लाल मिर्चें फरहीन ये लगेंगी बहुत जिस्म के ऊपर कोई बात नहीं यार। ये है लाल मिर्च, ये लाल शरबत बनाया मैंने मिर्चों का शरबत, किसी ने पीना है यार फिर मेरे सर में मिर्चें लग जाएंगी। मुझे सर्दी लग रही है फहमीन, आपको सर्दी गर्मी जो भी लगे आपने बैठे रहना है, ये पेशेंस है आपका। ठंडा पानी डाल के इसके ऊपर बर्फ का पानी और पागल तो नहीं होगी अगर आप ऊपर डले इमेजिन करो आपके साथ क्या है। बेटा मुझे ऑलरेडी इतनी सर्दी लगी क्योंकि जो मिर्चें आपने मेरे ऊपर डाली है ना और आपने मुझे गंदी ठंडी क्या चाय ठंडी कब होती है गर्म होती है। मैंने पीस थूक मिलाया उसके अंदर मैंने जो मुझे गंद मिला घर का जो गंदी से गंदी तरीन चीज थी मैंने सुना वो मिक्स करती गई करती गई करती गई गंदा देखती उसे पानी सारा पानी मैंने उसका मिक्स किया उसमें डाल दिया और फहमीन के ऊपर वो डाल दिया इसलिए वो ठंडा हो गया। हाँ लंबे गहरे 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 सांस लो ताकि पता तो लगे तुम्हें क्या पता लगे इतनी गंदी हटी है ना मिठू ने झूठ बोल रही है करता ही नहीं है मेरे बेटी कभी पोटी इसके ऊपर पोटी करके दिया दिखा मैं तुझे दिखाती हूँ दिखा पोटी की है यार बहुत ज्यादा गंदा ताकि
फ्रेमिंग किया जिससे और बदबू की बजाय बदबू मर जाए, मैं सिर्फ बदबू बदबू मरने के लिए कुछ चीज अच्छी ढूंढ लेता हूं। बदबू मारने के लिए मुझे ही मार देगी तू, अब मैं इसकी बदबू मारने के लिए कोई और अच्छी चीज लगेगी, टूथपेस्ट। क्या ख्याल है आपका, कैसे लग रहा है आपको? खुशबू आ रही है, मैं तो बदबू आ रही है। मैंने सुना टूथपेस्ट बहुत लगती है लोगों के। फ्री चैलेंज है ये, फ्री चैलेंज। सुनो सुनाओ, ऐसे ऐसे लगाओ यार आंख में चले जाए। मैंने कहा था ना ये जंगलन है, इसके साथ ये चैलेंज करना मतलब दूसरे बंदे की जान लेने के मुतरादिफ होगा। फरीम मेरी बात तो सुनो, मुंह में ना चले, मुझे लगाने दो मुझे, मेरे होंठों पे भी लगा रही है तो सारी जगह लगेगी ना। बस और ये पूपी ने पॉटी किया इसके ऊपर, ये नहीं ये पॉटी है दिखा, ये क्लोज करके दिखाती है देखो, व्हाइट पॉटी व्हाइट पॉटी है ये मिट्टू की व्हाइट पॉटी। फैमिन आपको कैसी फीलिंग आ रही है जरा बताएंगे? ठंडी, बहुत ठंडी फीलिंग आ रही है। क्यों ठंडी? सर्दी वाली। फैमिन बैठी हुई कांप रही है, कांप रही है। टूथपेस्ट ठंडी हो गया मेरे मुंह के ऊपर, ऊपर से ठंडी चाय, ठंडा पानी, बर्फ। बर्फ से भी मुझे लगता है वो बहुत आगे की कोई चीज थी। तो फ्रीजर का पानी ठंडा ही होगा, मैंने आपके लिए स्पेशल सुबह ही रख लिया था इसलिए। और अंडे की वजह से ना मुझे जरा एक मिनट सर नीचे करना, जरा सर नीचे करना, ये देखें। अच्छा बस कर... ये कह लो कि सेकंड लास्ट या लास्ट जो भी चीज है, बस इसके बाद मैं आपको आजाद कर दूंगी, और यानी मैं जीत जाऊंगी। यस आप जीत जाओगे कि आपने इतना बर्दाश्त कर लिया, मिर्चे, टूथपेस्ट, अंडे। यार एक तो मेरे मुंह में मिर्चे लगी नहीं थी, ऊपर से गणेश लगा दिया पूरा, सब बर्दाश्त कर लिया फैमिली ने। इसका मतलब फैमिली के अंदर बड़ा बर्दाश्त है मेरे। थैंक यू क्योंकि ये टूथपेस्ट इतने ठंडे हो गए, मेरा मुंह फ्रीजर जैसा हो गया, फ्रीजर जैसा। ओह मैं लास्ट में से एक ही चीज अप्लाई कर रही हूं। फरीन ये डेंजरस होता है, मेरे नाक में चले गए। होगा तो क्या हुआ, पेशेंस है, मैं मर सकती हूँ। फरीन फरीन मेरी आंख में चले, अरे मैं सही से कीड़े मारूं, फरीन मेरी नाक में चला जाएगा। फरीन ने मैंने कहा था ना ये जंगलन है, ये चैलेंज इसको मत दो। मुझे एक और चीज सूझी है अभी, एक और चीज, बदबू खत्म करने में तो मैं शावर शावर कर दूंगी। अब शावर शावर क्या? शावर 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 सफाइयां करती तुम्हारी है। मैं कैसे, मैं आप करने लगी हूँ फैमिंग सफाई, रुको जाओ कैसे मैं आपको दिखाती हूँ फैमिंग साहब करती क्या हूँ। क्या पहले बता, ये इसके अंदर बड़ी बदबू आ रही थी तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ा जाली जाली कर दिया जाए, इसको थोड़ा से इसके बाल बिल्कुल खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं खुशबू है इसके अंदर, हाँ इसलिए तो बदबू तो मार दूंगी। हाथों में मेरे अंडे की बदबू है, तो मैं आपके हाथों को भी करूँ सफाई नहीं बस। लेकिन इसकी बदबू फिर भी खत्म ना हुई और फैमिली फाइनली जीत चुकी है ये चैलेंज, क्योंकि उसने इतना पेशेंस बर्दाश्त कर लिया है। तो गाइस फाइनली हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा क्योंकि मेरा मुंह जो है ना चिक्स ठंडे ठार हो गया बिल्कुल, मतलब आवाज दिल बाहर हो गया। लेकिन मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैलेंज के साथ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने ये चैलेंज अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी बताते फैमिली की जो हालत हुई है ना इस वक्त। मेरा मैसी पेशेंस चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया। शट अप बोलना नहीं चाह रहा। जंगली जंगली चैलेंज जो ताकि मजा आए अप्लाई करने, मेरे भी ना देना प्लीज, इसको ऊपर ही देना वरना ये मुझसे सारे बदले ले लेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लव यू ऑल।